आप देख रहे हैं यूएनए और मैं हूं केली सीपी। मुंबई का कोरोना वायरस हॉटस्पॉट रह चुके धारावी में पिछले एक सप्ताह में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा शहर माने जाने वाले धारावी में पिछले 7 दिनों में एक भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना वायरस से नहीं हुई है और साथ ही सकारात्मक संख्या में गिरावट भी दर्ज की गई है। बीएमसी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1 जून को धारावी में कुल 34 मामले कोविड-19 पॉजिटिव सामने आए, 7 जून को 13 मामले और 6 जून को केवल 10 मामले ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। ये गिरावट एक राहत का संकेत है। बीएमसी के सहायक नगर आयुक्त किरण दिगावाकर, जो धारावी में कोरोना मिशन प्रभारी भी है, उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्क्रीनिंग ने सकारात्मक संख्या की गिरावट में मदद की है। लगभग 6 से 7 लोगों की बीएमसी के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर जांच हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बुखार, ऑक्सीजन का स्तर और आदि लक्षणों के आधार पर उन्होंने स्क्रीन अधिकतम लोगों के फॉर्मूले पर काम किया और लोगों को अलग अलग करके अधिक परीक्षण किया। बीएमसी के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार धारावी की आबादी कुल 8.5 लाख है, जिसमें से 8500 लोगों को विभिन्न स्थानों पर सरकारी सुविधाओं में रखा गया और लगभग 4000 लोगों के परीक्षण भी किए गए। राष्ट्रीय तालाबंदी लागू होने के एक सप्ताह बाद ही धारावी में पहला मामला सामने आया था। उसके बाद ये पहली बार एक राहत का संकेत है। आप सब अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया।